गोरखपुर के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में रविवार को वरिष्ठ रचनाकार जगदीश नारायण श्रीवास्तव की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। तत्पश्चात वक्ताओं ने वरिष्ठ रचनाकार जगदीश नारायण श्रीवास्तव के जीवन पर प्रकाश डाला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ वक्ता कपिल देव ने कहा, को जानने के लिए विद्यालय हमारे बड़े अहदे पर रेलवे में राजभाषा अधिकारी वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी होने के साथ साथ साहित्य की सेवा में पूर्णकालिक साहित्य सेवी रहे। हमेशा कुछ लिखना पढ़ना पुस्तक के कारण रचनात्मक कुछ छपना प्रगति ये सब उनका एक जैसे दिनचर्या से बगैर लिखे पढ़े रात को देर तक बिना पढ़े कुछ लिखे बिना शायद वो सोते भी नहीं। आज उनका ना रहना खल तो रहा है लेकिन वो जैसे दिए के साथ लौ का बसेरा होता है उसी तरह से वो साहित्य के एक रचनाकार साहित्यकार होने के नाते साहित्य से जुड़े हुए थे। मैं उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति के बारे में तो करके और लेकिन अब किया जा सकता है होता सकता है बुढ़ापा अनिता अवस्था है जाना सबको है ही। मेरी मुलाकात एक बार की है क्योंकि विगत थोड़े वर्षों में रह रहा हूँ मैं। एक बार मेरे राजनीति पर फोन किया था कि भाई एक अच्छे रचनाकार भी है वो साहित्यकार है क्रीड अधिकारी है आप उनसे मिलना चाहिए। फोन नंबर दिया हमको तो मैंने फोन किया कि उन्होंने बताया अपना मैं वहाँ रहता हूँ आइए मुझसे मिलिए। मैं गया बातचीत हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग और उन्होंने मुझको और फिर संजोष ध्यान नहीं हो पाया कभी नहीं मिलना हो पाया लेकिन ये समाचार तो आना ही रहा सब जीवन रहता ही खबर आई तो उसमें कुछ किसी के पास तो है नहीं जगदीश जी गोरखपुर रेलवे में राजभाषा अधिकारी पद पर थे और वहीं से वह सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन यह उनका असली परिचय हम साहित्यकारों के लिए नहीं है। उनका असली परिचय यह है कि वह एक बहुत अच्छे रचनाकार थे। उनकी कई पुस्तकें हिंदी साहित्य में दर्ज हैं और लोगों के बीच उसे सराहना प्राप्त हुई है। उपन्यास की शर्त उनकी एक बहुत चर्चित आलोचना पुस्तक है और सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने जो किया था हिंदी साहित्य में खासतौर से पूर्वांचल के साहित्यकारों
को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल के दायरे में आने वाले सभी तरह के साहित्यकार ले, जिसमें कवि, कथाकार, आलोचक भोजपुरी के हों या और किसी के हों, गीतकार हों, हर तरह के रचनाकारों को शामिल करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक दस्तावेज लिखा, तैयार किया था। उस दस्तावेज का महत्व यह है कि उसे पढ़ने वाला गोरखपुर के साहित्यिक परिदृश्य से भली भांत परिचित हो सकता है। वह एक बहुत ही सुधी आलोचक थे और समसामयिक लेखक, लेखन का जो भी संसार है, समसामयिक लेखन पर उनकी पैनी दृष्टि हमेशा रहती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वयोवृद्ध होते हुए भी इस उम्र में भी वह युवा रचनाकारों को लगातार पढ़ते रहते थे और उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं करते रहते थे। जगदीश जी का जाना हम लोगों के लिए बहुत दुखद है और हम सब लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे।